नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की। चरखारी में आज सनातनी पर्व अक्षय तृतीया पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के तत्वाधान में मंदिर श्री बटुक भैरवनाथ जी में पूर्ण वैदिक विधि विधान के अनुसार श्री हरि विष्णु के षष्ठम अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें हवन पूजन संगीतमय चालीसा पाठ के साथ ही विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण भी किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा मनाए गए चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलते रहे एवं भंडारा रात्रि के 8 बजे तक चलता रहा। उपरोक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ब्राह्मण बंधुओं के साथ स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा भी पहुंचकर भगवान श्री परशुराम जी का आशीर्वाद लिया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जनपद महोबा जिला अध्यक्ष जुगल किशोर द्विवेदी उर्फ महंत जुगल भारती द्वारा बताया गया कि अक्षय तृतीया एवं पर चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव प्रतिवर्ष मंदिर श्री बटुक भैरव नाथ जी में हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। भगवान श्री परशुराम हम सभी सनातन धर्म अनुयायियों के आराध्य हैं। कार्यक्रम में अरविंद तिवारी, योगेश पाठक, चिंताहरण तिवारी, अशोक महाराज, योगेश मिश्रा, उमेश पाठक, प्रवीण पटेरिया आदि नगर के गणमान्य एवं संभ्रांत लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में नगर के बुद्धिजीवियों की उपस्थिति रही। जी क्या नाम है आपको? पंडित जुगल किशोर द्विवेदी और महंत जुगल भारती। आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है जी, इस पर नगर एवं क्षेत्रवासियों पर कुछ बोले जी। भगवान परशुराम जन्मोत्सव भगवान का स्वरूप है, भगवान के अवतार हैं। जो 10 अवतार मुख्य माने गए हैं उनमें से षष्ठम अवतार भगवान परशुराम जी का है। भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के परम ज्ञाता रहे हैं। वो चिरंजीवी हैं, हर युग में हैं। उन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जहाँ अपना सारंग धनुष दिया था धर्म रक्षार्थ, वहीं भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन दिया था धर्म रक्षार्थ। तो इसलिए हम वो ब्राह्मणों के परम आराध्य भी हैं। और आज के दिन हम प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को हम, ये भगवान का अवतरण हुआ था उसको प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष भी किया गया है और ये निरंतर होता रहे ऐसा प्रयास है, क्योंकि एक यही ऐसे देवता हैं जो हर काल में हैं। दूसरे देवताओं का उसके कुछ समय बाद उन्होंने धर्म रक्षा करने के बाद अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वो चले गए महाप्रयाण पे, लेकिन यही एक ऐसे देव हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जो हर युग में हैं, हर युग में अभी भी हैं
और वो जब भी ऐसा होता है, जैसे कहा गया ना कि विप्रधेन सुर संत हित, ईश्वर क्यों जन्म लेता है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो जब भी विप्रों पर, देवताओं पर, गौ माता पर, इन पे समस्याएं आती हैं, इन पे कष्ट होता है, तब ईश्वर जन्म लेता है। तो अभी अच्छा समय है, हमारे भगवान अभी भी हैं, कभी भी ऐसी कोई स्थिति आएगी तो भगवान सदैव चिरकाल से हैं और चिरकाल तक रहेंगे, और हम उनके स्मरण के लिए, उनके सदैव अपने उनके भाव को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं और ये हर वर्ष होता रहेगा।